आज मेमन डे पूरे देश में मनाया जा रहा है। मुंबई में इकबाल मेमन के नेतृत्व में कुछ खास तरीके से मेमन डे मनाया गया। आज का दिन मेमन समाज के लिए बहुत ही खास दिन रहा और मेमन डे के मौके पर सभी जाति धर्म के लोग शामिल हुए। मेमन समाज के लोगों ने हॉस्पिटल में फल फ्रूट बांटकर, अपाहिजों को व्हीलचेयर बांटकर और गरीबों को कपड़ा अनाज बांटकर मेमन डे मनाया। पूरे देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है मेमन डे। और आज करोड़ों रुपए का काम, गरीबों का काम हो रहा है। कोई अनाज बांट रहा है, कोई कपड़े बांट रहा है, कोई मकान बांट रहा है, कोई प्यार बांट रहा है। जो अमीर हैं वो अपनी हैसियत से कुछ बांट रहे हैं, जो गरीब हैं वो गरीब अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बांट रहे हैं। अमीर और गरीब दोनों मिल करके आज मेमन डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हर घर में हम चाहते हैं मेमन के हर घर घर में मेमन डे मनाया जाए और कुछ न कुछ आज से शुरुआत की जाए, खैर का काम करना, नेकी का काम करना। और 365 दिन तक ये नेकी का काम, खैर का काम, एकता का काम, भाईचारे का काम ये चलता रहे। हमेशा ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रोग्राम में दिग्गज नेता, दिग्गज सब आते हैं, ये कदर करते हैं हमारी मेमन बरादरी के काम की कदर करते हैं। और ये लोग हमेशा हमको साथ देते हैं, इनका सबका हमें साथ है, इनका मशवरा हमेशा हमारे साथ में है। और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को मेरी जो टीम है वो बहुत मजबूत टीम है, चाहे वो हमारी बोर्ड के मेंबर हों, चाहे वो लेडीज़ विंग हो, चाहे वो यूथ विंग हो, चाहे गवर्नमेंट स्कीम की हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम हो, ये सारी टीम जो है मुझे पूरा साथ देती है, सहकार देती है। और इनके साथ और सहकार से ही ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन आज चोटी पे जा रही है। देखिए, 40 साल से मेमन बरादरी की खिदमत में मैं जुड़ा हुआ हूँ। मुझे जो एहसास होता था, मुझे बड़ा दुख होता था कि एक तरफ करोड़ों रुपया लोग खर्च करते हैं अपनी शादी ब्याह में, और एक तरफ गरीब है जो 50,000 रुपया सिर्फ उसको दे दो उसकी बच्ची की शादी हो जाएगी सिर्फ 50,000 रुपये में, और वहाँ पर 50 लाख रुपया खर्च होता है। तो हमने ये सोचा कि कुछ ऐसी गरीबों को का काम हो जावे और उन अमीरों से थोड़ा पैसा ले करके इन गरीबों का काम हम कम करें। आज सैकड़ों लोग जो हैं हॉस्पिटल में एडमिट हैं जिनके पास ऑपरेशन के लिए, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अमीर लोग आँख खोलें, जो करोड़ों रुपये का खर्च करते हैं। वो ड्रामे में ये दिखाया गया है कि आप 40 डिश अगर ना रखो, आदमी खाएगा उतना ही, 40 डिश अगर ना रखो और 4 डिश भी रखो तो वो उससे भी आपका काम बन जाएगा। लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, मगर वो कम खर्च करके आप बहुत नेकी का काम कर सकते हो। और ये हमारी एक कुरान में, हमारी हदीस में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुद अमल करके दिखाया। उनकी खुद की शादी में उन्होंने बहुत कम खर्च कम किया। उनकी बेटी की शादी के अंदर अगर वो चाहते तो ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना दे सकते थे, मगर उन्होंने क्या दिया अपनी बेटी के दहेज में, उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया। हम तो उनकी धूल के बराबर भी नहीं है, मगर उनका जो फरमान है उनके नक्शे कदम पर अगर हम चल ले तो इंशाल्लाह हम पूरी दुनिया में नहीं, आखिरत में भी हम कामयाब हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेमन डे बनाया गया है और ये पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनली बनाया गया है। हर कोई बना रहा है इंटरनेशनल में, इंडिया में इतना काम हुआ है जो आज तक एक दिन में कभी नहीं हुआ है। जो मेमन कम्युनिटी ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है ये रिमार्केबल काम करके, इतने गरीबों का फ़ायदा हुआ है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गरीबों के ईद का दिन माना जा रहा है। अभी हर कोई ये कह रहा है कि ये गरीबों की ईद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम हो रहा है। इंशाल्लाह हम यही चाहेंगे कि हर साल हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। बस आप लोग दुआ दीजिए, साथ दीजिए हमारा, इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा काम आगे करेंगे। और ये मेमन डे अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल मेमन डे हो गया है, अब आगे से इंशाल्लाह शायद पूरा ग्लोब इसको बनाएगा। तो बस आप लोग दुआ कीजिए, हम ऐसे ही काम करते रहे। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूवर से कहना चाहूँगी कि मैं सादिया मर्चेंट, चूँकि लोग मुझे सहाफ़ी की हैसियत से जानते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि सबसे पहले कि मैं मेहमान हूँ
और मैं मेमन टाइम से जुड़ी हुई हूँ इकबाल मेमन ऑफिसर साहब के साथ। तो मेमन डे मनाने का हमारा मकसद ये रहता है कि हम सिर्फ शोबाजी करने में यकीन नहीं रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी को अल्लाह ताला ने इतना साहिब हैसियत और इतनी दौलत से नवाजा है कि वो हमा वक्त लोगों की समाजी खिदमत और उनकी जो भी तकलीफ़ें होती हैं उसको दूर करने में पेश रहते। और आज का हमारा जो वर्ल्ड मेमन डे सेलिब्रेट करने का जो एक मकसद है, जो ये ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन जमात के एक जो सोच कहते हैं कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। तो इकबाल मेमन ऑफिसर, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, मेमन टाइम, ये जो पूरी एक टीम है, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी टीम है कि कहते हैं कि बगैर फौज के उनका सिपहसालार तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उनकी फौज मजबूत ना हो। तो इकबाल भाई, उनके रुफा और जो भी हमारी जमात के माशाल्लाह बड़े बड़े जो हमारे साहिब हैसियत लोग हैं जिन्होंने दामे दर में हमा वक्त अपना ताउन देकर गरीबों की मदद किए, तो हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैं खुद भी एक मेमन हूँ, मैं खंडवानी जमात से ताल्लुक़ रखती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपनी पूरी मेमन बरादरी को अपने मेमन डे के इस मौके पर तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगी। मैं ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन के सभी जो हमारे प्रेसिडेंट साहब के साथ जितने भी हमारे डिग्नेटरीज हैं जिनका अल्हम्दुलिल्लाह ताउन रहा है, चाहे वो हमारी ख़वातीन की मेम्बर हो, हमारे बुज़ुर्ग हो, यंग जनरेशन हो, उन सभी के ताउन के बगैर इतना बड़ा प्रोग्राम और कामयाब करना नामुमकिन था। और एक चीज़ मैं अपनी बात आखिरी में ये कहना चाहूँगी कि आज वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन का प्रोग्राम सिर्फ मुंबई बेग मोहम्मद में ही नहीं ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसकी आवाज़, इसकी जो हमारे एक जो पौधा है और वो जो एक तनावर दर्द बन चुका है, वो माशाल्लाह US, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और दीगर हमारे जो बैरूनी ममालिक हैं वहाँ पर आज हमारे मेमन कम्युनिटी के साहिब हैसियत हजरात माशाल्लाह दामे दर में कोई अस्पतालों में फूड पैकेट दे रहा है, तो कोई व्हील चेयर दे रहा है, तो कोई गरीबों में राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई मशीनें दे रहा है बेवाओं को। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि अल्लाह की राह में जब भी कोई काम करो तो आप उसको जाहिर नहीं करो। तो आज हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए हमको ये दिखाना नहीं था कि हम मेमन कौम या हमारी मेमन कम्युनिटी कितने हद तक लोगों की मदद करती है, सिर्फ एक मकसद था कि भाई मैं इस शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करूंगी हमारी पूरी मेमन कम्युनिटी की जानिब से, ऑल इंडिया मेमन जमात की और मेमन टाइम्स की जानिब से जिनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, कि मेरी ज़िंदगी यही है हर एक को फैज़ पहुँचे, मेरी ज़िंदगी यही है हर एक को फैज़ पहुँचे, मैं चरा गिरा गुज़र हूँ शौक़ से जलाइए। शुक्रिया। मैं परफ्यूम वाला हूँ, मुझे ये खुशी है, फ़ख्र है कि मैं मेमन जमात से वाबस्ता हूँ और इनका मेम्बर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दुबई हम लोग गए थे और वहाँ पे हम बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, इकबाल भाई की बहुत इज्जत थी, उनको उन्होंने एक बड़ा अहदा दिया और आज जो प्रोग्राम हुआ ये हमारे बम्बई में नहीं सारी दुनिया में इसका प्रोग्राम हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छी जमात का हूँ और एक मेमन हूँ और ये इनका जो प्रोग्राम है सक्सेस गया है, पूरी दुनिया में अमेरिका, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, दुबई सब जगह प्रोग्राम हुआ है। और मैंने अपनी तरफ से 6 व्हील चेयर दिए हॉस्पिटल के लिए, तो मैं दुआ अल्लाह से दुआ करता हूँ मुझे और शक्ति दे, इससे ज़्यादा निक्सर और दूँ।